अरे सेठ जी पैसा तो देते जाइए। अरे हाँ हाँ तुम्हारा पैसा लेके नहीं जा रहे, दुकान पे आके ले लो। ये लो अपना 100 रुपया। अरे सेठ जी दुकान तो बड़ा गजब का खोले आप, क्या ले आपसे? कुछ खरीदना है क्या? नहीं नहीं खरीदना तो नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि ले क्या आपसे। अरे जब खरीदना ही नहीं है तो काहे सोच रहे हो लेने का? अरे सेठ जी आप देंगे और हम मना कर देंगे, आप तो टकला नेता है, आप प्यार से दीजिएगा तो मना कैसे कर सकते हैं? अरे हम कल तुमको कुछ दे रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हो? अरे सेठ जी आप ही तो दुकान पे लिखे हैं, दुकान पे आए हैं तो कुछ लेकर जाना, तो वही सोच रहे हैं क्या ले क्या ले। एक काम कीजिए ना आईफोन दे दीजिए। मारेंगे साले, चाहे जूता ना तुम्हारा बकवास भुला देंगे, आईफोन चाहिए तुमको फ्री में, बाप का माल है क्या? अरे हम कब बोल रहे हैं हमारा बाप का माल है, ये तो आपका माल है, आप देना चाहते हैं। टैक्सी वाला ज्यादा बकवास नहीं करेगा, निकला हमारा दुकान से। पागल साला फ्री में चाहिए तुमको। अरे ऐसा है जवान सवाल के बात कीजिए सेठ जी, तब से इज्जत दे रहे हैं तो बकवास कर रहे हैं। वो साला पागल अपना दुकान पे लिखा है, दुकान पे आए हो तो कुछ लेकर जाना और फिर बकवास कर रहा है। साला तुमको बेकारे बैठा लिया अपना टैक्सी पे। अरे साला अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा टैक्सी तोड़ देंगे हम, निकले यहाँ से। हाँ जा रहे जा रहे, देखे तुमने जैसा दुकानदार साला टकला चोर। ये साला टकला बेसी बोल रहा था, इस साले को तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो ऐसा परेशान करेंगे ना जिंदगी में याद रखेगा। अरे बाबू ढोलकिया चौक चलेगा? अरे हाँ हाँ चलेंगे भैया, फोन है आपके पास? हाँ हाँ है, काहे पूछ रहे हो? अरे आईफोन है आपके पास? नहीं नहीं आईफोन नहीं है मेरे पास। अरे तो वो टकला मोबाइल वाला दुकान पे जाइए ना, बगले में है, वो फ्री में दे रहा आईफोन। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन पागल है जो आईफोन फ्री में बांट रहा है? अरे वो जो टकला नेता नहीं है, नया दुकान खोला है टकला मोबाइल वाला, तो उसका दुकान में जाकर तुम कुछ भी मांग सकते हो, फ्री में दे देगा। दुकान में लिख के रखा है, दुकान पे आए हो तो कुछ लेकर जाना, जाओ जाके मांगो। अरे हाँ हाँ अभी जाते हैं। हाँ भाई साहब बताइए क्या चाहिए आपको? अरे हमको तो आईफोन चाहिए, दे दीजिए। अरे क्या बात है भाई, हम जब से दुकान खोले सब आके आईफोन ही पूछता है, लगता है आईफोन ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा बिकता है, अभी देते हैं भैया। एक काम कीजिए ना झोला में डाल के दे दीजिए सीधा। कौन सा मॉडल चाहिए भैया आपको? अरे आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए, मना नहीं करेंगे। अरे ये तो बढ़िया पार्टी है, इसको तो सबसे महंगा वाला आईफोन देंगे। अच्छा तो भैया आईफोन पैक करवा देते, बिल किस नाम से करवा दे? आपका नाम क्या है? हमारा नाम भैया, पहचान नहीं रहे, टकला नेता। हाँ तो एक काम कीजिए टकला नेता के नाम से ही बिल बना दीजिए। अरे हम अपना नाम से बिल कैसे बनवाएंगे? अरे पैसा तो आप ही दीजिएगा ना, तो नाम तो आप ही का लिखवाएंगे ना। अरे हम कहाँ पैसा देंगे, फोन भी हम ही देंगे, पैसा भी हम ही देंगे, क्या बकवास कर रहा है? अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, पैसा हम दें? हाँ तो पूछ क्या रहे हो, फोन तुम लोगे तो पैसा कौन देगा, तुम्हारा बाप? अरे बाप पे मत जाना, कहे कि हम भी अपना बाप पे नहीं गए हैं, तो तुम हमारा बाप पे क्यों जा रहा है? और जब फोन फ्री में मिल रहा है तो पैसा काहे देंगे? अरे कौन पागल तुमको बोला है फोन फ्री में मिल रहा है, तुम्हारा बाप हमारे यहाँ फोन रख के गया था जो हम तुमको फोन फ्री में देंगे। अरे हमको टैक्सी वाला बोला कि तुम फोन फ्री में बांट रहा है, और तुम दुकान पे भी लिख के रखा है कि आए हो तो कुछ लेकर जाओ, और जब तुम्हारे दुकान पर आए हैं कुछ दोगे तभी ना कुछ लेकर भी जाएंगे, और फिर पूरा समाज में बताएंगे। अब जल्दी करो यार, जो देना है दो जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। अरे साला मानेंगे ना तुम्हारा देह तोड़ देंगे समझा, और उस साले टैक्सी वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, बकवास करता है साले को दुकान से भगाया है तो पागल लोग को भेजता है दुकान पे। आइंदा से हमारा दुकान पे दिखाना गर्दन काट देंगे तुम्हारा, निकल साला पागल। आईफोन चाहिए, अपना बाप से जाके मांगो आईफोन, दिमाग खराब करके रखा है, जब से दुकान खोले तब से देखे पागल से मारा हमारा दुकान पे। अरे अरे रो मत, आए हैं तो चलो झोला ही दे दो, आईफोन मत दो रखो अपने पास, बाजार जा रहे हैं सब्जी खरीद लेंगे झोला में। अरे जाता है कि नहीं जाता, दिमाग खराब करके रखा है हमारा। अरे दिमाग नहीं तुम्हारा गला खराब हो गया, ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। निकल निकल उठा, तुम क्या हंस रहा है पागल की तरह, मार के साले को बाहर निकालो, दिमाग खराब करके रखा हमारा। अब नहीं सहेगा टकला नेता, अब हमारा दुकान पे कोई भी पागल आएगा वैसे ही मार खाएगा। सुना काला का दो, हम खाना खा के आ रहे, आज एक भी गलती नहीं होना चाहिए, हम बता दिए, आज हमारा दिमाग इतना खराब है एक भी गलती तुम्हारा हुआ ना तुम्हारा हाथ पैर सब तोड़ देंगे हम, और अगर जरूरत होगा तो हमको फोन कर देना। अरे हाँ सेठ जी चिंता मत कीजिए, दुकान बढ़िया से चलेंगे। अरे सेठ जी का तो दिमाग के काम नहीं करता है, बोले जरूरत होगा तो फोन करना, फोन तो यहीं छोड़कर चले गए, अब अगर जरूरत पड़ेगा फोन करना पड़ा तो फोन का घंटी तो हमको सुनाई देगा ना, सेठ जी को सुनाई कैसे देगा? एक काम करेंगे सेठ जी, समझ कर हम ही अपने आप से बात कर लेंगे, लगेगा सेठ जी हुकुम दिए, काहे कि ऐसे भी सेठ जी को कोई बुद्धि तो है नहीं, रोते रहते हैं बच्चा लोग की तरह। अरे भैया 799 का रिचार्ज कर दो ना। अरे ये लड़की तो बड़ी मस्त लग रही है रे, लेकिन ये दुकान में आके लड़की लोग हमको भैया का बोलती है, हम भैया दिख रहे हैं क्या? रिचार्ज तो कर देंगे लेकिन आपका नाम क्या हुआ? नाम का क्या करोगे, रिचार्ज नाम सुन के करते हो क्या? अरे ये लड़की तो बड़ी साड़ी बन रही है, समझ रही है कि हम लाइन मार रहे हैं? नहीं नहीं मैडम वो बात नहीं है, मालिक गए खाना खाने, बोले कोई भी आएगा जिसको सेल करोगे तो उसका नाम और टेलीफोन नंबर लिख लेना, वो मालिक का आदत है, डेटा बनाते हैं ना कस्टमर लोग का। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा नाम रिंकी है। रिंकी आई लव यू, ऐसे आपका नाम अच्छा है रिंकी, लेकिन पिंकी होता तो क्या बात होता, क्योंकि
लीजिए, अब आप फोन पर बकवास कीजिए। अरे आधा घंटा से बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। ये क्या दुकानदारी है, दिन भर बैठे रहो पागल की तरह, कोई कस्टमर ही नहीं आता है। ये जब से ऑनलाइन काम हुआ ना बड़ा चौपट कर दिया है, छोटा दुकानदार किधर जाएगा। कस्टमर अलिमिटेड दुकान हो गया, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया कद्दूपुर में। अब बैठे बैठे क्या करे, फोन होता तो गाना ही सुन लेते, फोन भी नहीं हमारे पास। अरे सेठ जी का तो फोन यहीं पर पड़ा है, अब मजा आया। एक काम करते हैं, रिंकी को मैसेज करते हैं, मजा आएगा। सामने में तो नहीं पति, कहीं मैसेज में हमारा प्यार का बात सब सुनकर पट जाए। लिखते हैं, हाय रिंकी क्या कर रही हो, पूछती है तुम कौन, मैं तुम्हारा दीवाना। लिखती है, इडियट हो क्या, अरे नहीं जानू बताया जो तुम्हारा दीवाना हूँ। अरे लिखती है, पापा को बोल देंगे, इतना भी जल्दी क्या डार्लिंग, पहले हम दोनों तो मिले, पापा को तो बताएंगे, काहे की शादी तो वही करवाएंगे ना। अरे रिंकिया तो गुस्सा गई, ऑफलाइन चली गई, हो सकता है पापा को बताने गई हो। और काला कद्दू कुछ बिक्री हुआ? हाँ हाँ सेठ जी, 799 का रिचार्ज हुआ। अरे बढ़िया है, चलो बहनी तो हुआ, चलो एक काम करो तुम खाना खा के आ जाओ, हम तो खा के आ गए, तब तक हम ध्यान देते हैं। अरे टकला नेताजी आप ऐसा हरकत कीजिएगा, हमको भरोसा नहीं था। अरे हम क्या किए। अरे टकला शरीफ मत बनो, लड़कियों को मैसेज करके छेड़ते हो। अरे लड़की क्या उल्टा सीधा आरोप लगा रही हमारे ऊपर, हम कब मैसेज किए तुमको। अरे टकला नेताजी आप शरीफ बन के कोई फायदा नहीं है, आपका झूठ पकड़ा गया है, आपकी पत्नी टकली छोड़ के चली गई, तो ये सब हरकत कीजिएगा, आपका फोन से ही मैसेज गया है इसको उल्टा सीधा। अरे अपना जवान सवाल के बात करो इंस्पेक्टर, खबरदार हमारी पत्नी टकली के बारे में कुछ भी बोला तो, हम कोई मैसेज नहीं किए इस लड़की को, झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है। अरे झूठे तो तुम हो ही टकला, इंस्पेक्टर इस लफंगे को तुरंत अरेस्ट कीजिए। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकता है हमको। हाँ चलिए टकला नेताजी। अरे ऐसे कैसे तुम अरेस्ट कर सकता है, हम कोई मैसेज नहीं किए। अरे जो बोलना का थाना में बोलिएगा, मैसेज तो आपका फोन से ही गया है। अरे हम मैसेज नहीं किए, कोई और मैसेज किया होगा। चुपचाप थाना चलिए। अरे हमारा दुकान पे कोई नहीं है, दुकान पे ध्यान कौन देगा। अरे हम आपका दुकान का ठेका नहीं लिए, शटर बंद कीजिए और चलिए। अरे एक मिनट, हम जब दुकान से गए थे तो हमारा फोन तो हमारा दुकान में था, हम फोन ले जाना ही भूल गए थे, उस टाइम तो कल उठा था हमारा दुकान पे। इंस्पेक्टर साहब को पूरा यकीन है हमारा मोबाइल से इसको मैसेज हमारा नौकर किया, वही बदमाशी करके गया सब। अरे ये तुम लोग नेता लोग का ना आदत है, अपना गलती का इल्जाम अपना नौकर पे लगा देते हो। थाना चलो, जो भी बकवास करना थाना में करना, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। अरे उस साले का लुटा के चक्कर में हम फंस जाते हैं बार बार, साले को छोड़ेंगे नहीं, देख तोड़ देंगे, लेकिन इस बार तो साले के चक्कर में एकदम घटिया इल्जाम में हम फंस गए, उसको तो छोड़ेंगे नहीं, देख तोड़ देंगे उसका। जब साले को दुकान में बैठा के जाते उल्टा सीधा हरकत करता है, देख रहे ना दोस्तों हमें सब क्या हो रहा है, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, कंची का मोबाइल में देखते रहते वीडियो, आप लोग जितना देखते हैं समझाते नहीं उस काला का लुटा को। या हमको फोन करके बता दीजिए, हमको पता चल जाएगा हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। टकला नेता कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना कमेंट कीजिएगा, कभी भी काला का लुटा हमारे पीछे हमारे दुकान पर उल्टा सीधा हरकत करे कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे तो पहुंच जाएंगे ना दुकान पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।